Hello everyone, I'm Dr. Prateek Soni. I'm ENT consultant working with IU Health. Hope you all are in good health today. So we're going to discuss some issues regarding ear, nose and throat surgery. हम लोग बात करेंगे कुछ सर्जरी के एस्पेक्ट्स के बारे में, कान नाक गले की सर्जरीज के बारे में. कई लोगों को प्रॉब्लम होती है नाक बंद रहने की, जिसमें जिसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं. वो हो सकता है कई बार नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसकी वजह से होता है. उस केस में सेप्टोप्लास्टी सर्जरी एडवाइस की जाती है. ये सर्जरी जो होती है ये नाक की हड्डी सीधी करने के लिए की जाती है. इसके अलावा सर्जरीज होती हैं जिससे कि नाक की शेप ठीक करी जाए. कईयों की नाक की शेप टेढ़ी होती है, इसलिए राइनोप्लास्टी करी जाती है. इसके अलावा कुछ और सर्जरीज होती हैं जैसे साइनस सर्जरी. लोगों के नाक के अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, फंगस हो जाता है, उस केसेस में हमें साइनस सर्जरी करनी होती है. ये सर्जरी जो होती है ये नाक के अंदर से ही होती है, एंडोस्कोपिकली होती है. इसमें नाक के अंदर से जो पॉलिप्स हैं, जो फंगस है, उस सबको साफ किया जाता है. जो पेशेंट्स मेडिकली फेल हो जाते हैं, जिनको दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, उन्हीं में ही ये सर्जरी करी जाती है. इस सर्जरी का रिकवरी टाइम 10 दिन होता है मोस्टली. इसके बाद जो है फ्रीक्वेंट नाक सफाई रखनी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, डॉक्टर को रेगुलर दिखाना पड़ता है ताकि फिर से ना हो, बिकॉज ये मोस्टली एलर्जी की वजह से होती है. अगर इसका नहीं ध्यान रखेंगे तो ये फिर से होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आप रेगुलर फॉलोअप रखेंगे अपने डॉक्टर के साथ तो सब चीज़ें ठीक रहती हैं. इसके अलावा कान के भी कई इश्यूज होते हैं. कान में कईयों को सुनाई कम देता है, कईयों को पता ही नहीं चलता है कि कान में कोई प्रॉब्लम है. इसलिए रूटीन अपने ENT डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए साल में कम से कम एक बार. कई बार कान का पर्दा फटा हुआ होता है, उसको रिपेयर कराना ज़रूरी है. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, एंडोस्कोपिकली कान के पर्दे की ग्राफ्टिंग हो जाती है. उससे फ़ायदा ये होता है कि फर्दर इन्फेक्शन से बचाव होता है, प्लस हीयरिंग इम्प्रूव हो जाती है. इसके अलावा कान की और भी सर्जरीज होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल में कभी और बात कर पाएंगे. मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि डरे ना कान नाक गले की सर्जरी से, ये ज़रूरी है, बिकॉज इन एरियाज़ के आसपास ब्रेन होता है. तो भगवान ना करे कि प्रॉब्लम बढ़ जाए और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ. तो इससे पहले रूटीनली अपनी ENT डॉक्टर को दिखाओ. सो जस्ट डोंट बी स्कैर्ड, गो विजिट योर ENT डॉक्टर. राइट, वी आर देयर टू मेंटेन योर गुड हेल्थ. Thank you.